खबर सबसे पहले महाराष्ट्र से, जहां सचिन वाजे और मनसुख और परमवीर सिंह के मुद्दे को लेकर सियासत से लेकर कोर्ट कचहरी तक संग्राम छिड़ा हुआ है। राज्यपाल से आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात होनी है, तो सचिन वाजे की आज कोर्ट में पेशी भी है। वाजे को लेकर एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 मार्च को वाजे ने फोन करके मनसुख हिरेन को थाने बुलाया था, 3-4 लोग भी और साथ थे। बाद में दफ्तर लौटकर वाजे ने रेड के जरिए जांच को गुमराह करने की कोशिश की थी। गुनाह नोट के लिहाज दूसरा दिवसीय दिनांक 8/3/21 रोजी फिरियाद मधील संशित आरोपी सचिन वाजे यांचा जवाब नोंदवण्यात आला। त्यांनी चौकशी मध्ये त्याचे विरुद्ध सर्व आरोप फेटाळून लावले। नमूद स्कॉर्पियो गाडी ही आपल्या ताब्यास कधीही नसल्याचे सांगितले व मृत व्यक्ती सोबत कोणत्याही संबंध नसल्याचे सांगितले। त्यामुळे सदरचे सदर गुन्ह्याबाबत कसून चौकशी करणे आवश्यक असल्याने त्याचे विरुद्ध ट्रान्सफर वॉरंट प्राप्त केले असून NIA कोर्ट मध्ये आरोपीचा ताबा घेण्याकरता आम्ही 25 तारीखला तिकडे अपील करू। तो इस मामले को लेकर और जो नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो अब ये जांच NIA के पास चली गई है मनसुख हिरेन मामले की भी, लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात की है, तो वहीं जांच को लेकर वाजे का मामला आज कोर्ट में जाएगा। आज अदालत में अर्जी सचिन वाजे की है, लेकिन इस बीच इंफॉर्मेशन ये भी सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में कि सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को फोन किया था, उसे थाने बुलाया था और 3-4 लोग और इस मुलाकात में शामिल थे। सूत्रों से ये जानकारी मिली है। क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया मनसुख हिरेन को, कार के भीतर ही 3-4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चेहरे पर भी चोट के कई निशान थे। बेहोश होने के बाद मनसुख हिरेन का गला घोंट दिया गया। हत्या के वक्त सचिन वाजे भी मौके पर मौजूद था, तो ये बेहद गंभीर आरोप इस वक्त सचिन वाजे के ऊपर मनसुख हिरेन मामले को लेकर भी। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन एटीएस के पास से NIA के पास चला गया है। हमारे साथ मुंबई से पंकज उपाध्याय इस वक्त जुड़ गए हैं। पंकज, एक के बाद एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो सचिन वाजे की भूमिका को संदेह के दायरे में बहुत गहरे तक ले जाते हैं, लेकिन ये जो नई इन्फॉर्मेशन आई है, अब कैसे NIA इस पर आगे बढ़ेगी, किस तरह का आप वहां पर इन्वेस्टिगेशन को होता हुआ देख रहे हैं? जी मीनाक्षी, इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न पहले दिन से ही देखने को मिल रहे थे, और अब एटीएस सूत्रों की माने तो इस पूरे हत्याकांड में अब के सस्पेंडेड एपीआई सचिन वाजे और उनके 3 या 4 साथी थे, उनका बहुत अहम रोल रहा है। ये भी बात सामने आ रही है कि थाने की क्रीक में धकेलने से पहले मनसुख हिरेन को क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ हो गया कि उनके चेहरे पर जो इंजरी मार्क्स हैं वो मौत से पहले के हैं। यही नहीं, जब इस हत्या को अंजाम दे दिया गया तो ये जो लोग थे इन्होंने वसई में जाके मनसुख हिरेन के मोबाइल फोन को कुछ देर के लिए स्विच ऑन कर दिया गया था, जिससे इन्वेस्टिगेटर्स को मिसगाइड किया जा सके। उसके बाद रात के 11 बजे यानी 4 मार्च को सचिन वाजे की लोकेशन साउथ मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट के पास पाई जाती है। यह भी एक तरीके से सुनियोजित तरीके से इन्वेस्टिगेटर्स को मिसगाइड करने के लिए प्लान बनाया गया था। ना सिर्फ ये, बल्कि उसके बाद सचिन वाजे ने अपनी टीम के साथ मिलकर डोंगरी इलाके में एक बार पर रेड भी करी थी, यानी मेटिकुलस प्लानिंग यहां पर रची गई थी। एटीएस के जो सोर्सेस है वो ये सस्पेक्ट कर रहे हैं सचिन वाजे का इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा अहम रोल रहा। गुजरात से सिम कार्ड्स आए, उनका इस्तेमाल किया गया। अब हालांकि केस NIA को सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक एटीएस ने जो पूरे इस केस में जांच पड़ताल करी थी उसके बाद उनके सूत्रों के हवाले से ये सनसनीखेज खबरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए पंकज, यहां पर यह भी देखना होगा कि ये मामला एंटीलिया से शुरू होता है और उसके बाद एक के बाद एक इसमें कई मोड़ आते चले जाते हैं, और अब तो हम ये देख रहे हैं कि सियासत देखिए किस कदर हो रही है। सदन में आवाज गूंजती है, सांसद इस पर हंगामा करते हैं, सवाल उठाते हैं, तो यहां पर बैठकों का दौर जारी है। अलग अलग पक्ष राज्यपाल से जाकर मिल रहे हैं और तीनों दल जो जिनकी एक साथ सरकार है उन्होंने भी आपस में मुलाकात की है। लेकिन ये बताइए, यहां पर जो शिवसेना सवाल उठा रही थी कि NIA को ये जांच दिए जाने का मकसद क्या है, जबकि NIA तो आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों का इन्वेस्टिगेशन करती है। जी हाँ, देखिए ये एक ऐसा मामला है
जिसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश करेगी। कारण उसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई है ना सिर्फ शिवसेना बल्कि पूरी एमवीए इस मामले को लेकर बैकफुट पर है। डे वन से हालांकि शिवसेना कहती हुई आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल एजेंसीज का सहारा लेकर जो स्टेट के राइट्स हैं उसके ऊपर एनक्रोच कर रही है और उनको हैरानी नहीं हुई, जबकि इस केस पे भी उन्होंने एनआईए को यहां पर दाखिल कर दिया। जबकि शिवसेना का कहना था कि जो एटीएस है वो पूरी तरीके से काबिल है इस केस को सुलझाने में, लेकिन फिर भी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को वीकन करना था, स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना था, इसलिए एनआईए को यहां पर महाराष्ट्र में भेज दिया गया। लेकिन ये लड़ाई हम पहले दिन से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में। कल हमने ये भी देखा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में तमाम नेतागण गवर्नर से जाके मिले और ये भी कहा कि अब जो सरकार है वो हर एक फ्रंट में विफल होती जा रही है। उसके ऑपोजिट कांग्रेस और तमाम नेता जो नेतागण हैं उनका कहना है कि वो भी अब गवर्नर से मिलेंगे, हालांकि गवर्नर 28 तारीख तक नहीं है।